बुरहानपुर के नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी अब भले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हों, लेकिन उनको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासत जमकर जारी है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का दावा है कि अभी और भी विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जबकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, सुमित्रा देवी के कई काम कानून और धर्मस्व मंत्री रहते हुए उन्होंने खुद चिट्ठियों पर कर दिए। पीसी शर्मा ने सुमित्रा देवी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से समय न दिए जाने के आरोप पर कहा कि मंत्रियों का समय नहीं देना एक बहाना है, उन्हें पैसे के लिए जाना ही था। पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी ने दो तरीके से सुमित्रा देवी को इस पूरे मामले में अपनी तरफ किया, जाली नोट मामले में क्लीन चिट देने और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में बचाने को लेकर बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि विधायकों के इस्तीफे पर कांग्रेस खुद आत्म अवलोकन करे, शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव न करे। ये सब बेचारे सब कामों के लिए जाते थे, काम इनके होते नहीं थे, परेशान थे, तो इसलिए विकास के सपनों के साथ उनको लगा कि शिवराज सिंह चौहान सबका विकास का ध्यान रखते हैं, विधानसभा में करते हैं, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। अभी 26 दो तो हमारी चुनाव होने थे, 24 लोग अभी आए हैं, ऐसे 26 चुनाव होने वाले हैं, इसलिए संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। ये तो एक बहाना है, हमको तो पैसे लेके जाना है, ये है पूरा सिद्धांत। और दूसरा डर, हाई कोर्ट में इनका चल रहा है फर्जी प्रमाण पत्र था आदिवासी का, और जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी मंजू दादू, उन्होंने लगाया हुआ है। आज उनका स्टेटमेंट भी आया है कि ये तो जेल जाएगी, इसका तो प्रमाण पत्र है फर्जी। और दूसरा, इनका जो प्रतिनिधि था वो 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा गया था, तो बीजेपी ये दबाव भी कर रही है। आजकल राजनीति में न तो धर्म न, जो लोग राजनीति को व्यवसाय समझ कर आए हैं, अपनी गरीबी दूर करने के लिए आई हैं, जनसेवा के नाम पर जनता को से उनको ठग कर वोट लेते हैं और फिर उनकी पीठ में छुरा मार कर गद्दारी करके जिस पार्टी ने उनको सब कुछ बना के इस लायक पहुँचा बनाते हैं, उनको धोखा दे के मिलते हैं, केवल लालच में पैसा कमाने को और भ्रष्टाचार कराने के लिए ही ये लोग दलबद्ध कर रहे हैं। तो सुमित्रा देवी भले ही बीजेपी में चली गई, लेकिन अभी भी उनके जाने को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। सुमित्रा देवी पर सियासत तेज है। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हमारे साथ में। शर्मा जी, अभी हम आपको सुन भी रहे थे, बीजेपी का बयान आपने सुना होगा कि अभी और भी हैं, कई सारे नेता फिराक में हैं बीजेपी में शामिल होने के। भाई बीजेपी एक ही काम में लगी है, लोकतंत्र की कैसे हत्या हो, कैसे जन सेवा की जो भावना से आता है आदमी। मैं जो सुन रहा था बयान कि उनको पद भ्रष्ट करने पे लगी हुई है, कि सेवा का मामला रह नहीं, पैसे लो, लंबी राशि लो और पाला बदलू, और जैसा अजय विष्णु जी ने कहा कि साथ दे साथ ले, चेयरमैन भी बना दिया प्रगुन लोधी जी ने, तो कुल मिला के पद भ्रष्ट करना है। और ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़के ये आजादी हमने हासिल की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सत्ता में कैसे आओ, उसके लिए कुछ भी देना लेना पड़े, कुछ भी भ्रष्टाचार हो, उस पर पूरी तरह से लगी हुई है। और जहाँ तक सुमित्रा देवी का सवाल है, ये कह रही कि मंत्री मिलते, मैंने इनके मंत्री और एजीपी जीपी सब बनाए, कानून मंत्री के धर्मस्व उसमें भी काम किया, इनके सब काम हुए, मुख्यमंत्री जी मिलते थे उनने भी सब काम किए, थाना वाला टीआई ये वो जितने अधिकारी थे इनके साथ, लेकिन ये जो है जिस तरह से गई और जो इनकी बेइज्जती हुई वहाँ की एक आदिवासी नेत्री होके वहाँ पैर पड़ रही है सभी नेताओं के, इसकी कांग्रेस में ये पद्धति नहीं थी एक महिला के लिए। दूसरा ये है कि इनको डराया जा रहा है कि आपका जो प्रमाण पत्र था वो नकली था, तो हाईकोर्ट में चल रहा है उसमें आप वैसे भी विधायक नहीं रहोगे, इनका कोई प्रतिनिधि 10 लाख के नकली नोट में पकड़ा गया, तो ये सब चीजें इन पर दबाव भी डाले गए और लंबी राशि भी इनको दी गई है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी जाएगी।
पहले कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से एक साथ कई सारे लोग चले गए, और अब जो एक सप्ताह में दो विधायक जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है, आप बता रहे हैं उन पर दबाव भी है, लालच भी है, खरीद फरोख भी हो रही है, ना तो इस बात की कोई साक्ष्य सामने आ रहे हैं, बार बार बीजेपी सवाल उठा रही है। साक्ष्य आ गए ना जी, साक्ष्य आ गए ना राजस्थान में, वो केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हो गए ना, वहाँ सरकार थी 20 दिन तक साक्ष्य आ गए, वहाँ हो गया, बाकी खरीद फरोख नहीं हुई, वहाँ बीजेपी चार्टर प्लेन लेके वहाँ से बेंगलुरु ले जा रही है जी। ये इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? और जो 2 लाख लोगों से चुन के आता है, जनप्रतिनिधि बनता है, वो ऐसे ही चला जाएगा क्या? जो लाख से 1.25 लाख की उसको मानदेय भी मिल रहा है, ये जब तक लंबी राशि नहीं मिले कोई नहीं जाता। लेकिन अभी जो बीजेपी कह रहे हैं, अभी और काफी लोग हैं उपचुनाव से पहले कहीं आ जाएंगे, कोई बात जी, कोई दम नहीं उनकी बातों। बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस के लोग क्यों इतना डगमगा रहे हैं, क्यों बार बार संपर्क में हैं, आखिर क्यों किसी के लोगों में दबाव में आ रहे हैं? अपनी लंबी बात हुई, मैंने बता दिया क्या क्या वजह है। चलिए, तो पीसी शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि पाला बदलने की जो पॉलिटिक्स है इसमें दबाव भी काम कर रहा है, और ये दबाव कई तरह का है, धनबल का इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ पद का कई लोगों को जिस तरह से प्रलोभन दिया उसके साथ कुछ कार्रवाइयों का डर भी है। शर्मा जी, एक कार्रवाई को लेकर के भी बात की जा रही है कि कुछ कार्रवाइयां होनी थी या दबाव में थे प्रकरण को लेकर, विधायक महोदय? तो पीसी शर्मा जी जुड़े थे हमारे साथ में, उनका ये सीधा सीधा आरोप है कि जितने नेता अभी बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, दरअसल प्रलोभन भी है और साथ ही साथ उन पर कार्रवाई को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। पाला बदलने की जो पॉलिटिक्स है वो इस पूरे मामले में, इसे वक्त आने पर उजागर करेंगे। राजस्थान का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा राजस्थान में जैसे परतें खुल रही हैं ऐसे यहाँ भी पूरा मामला जनता की अदालत में जाएगा। तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर ये आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कि दबाव डाला गया, दबाव के चलते ही सुमित्रा देवी ने पाला बदला है, उनके ऊपर जो प्रकरण था, मामला था, उसको देखते हुए दबाव बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आलोक संजर जी जुड़े हैं। आलोक संजर जी, दो विधायक जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं उस पर अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक तो प्रलोभन दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और दूसरा दबाव बनाया जा रहा है, कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। देखिए, दो चीजें हैं, अब चूंकि अपने घर को संभाल नहीं पा रहे इसलिए दोषारोप कर रहे हैं हवा पर कि हवा तेज चल रही है और उसकी हमारी छतें गिर रही हैं, जबकि स्थिति ये है कि कांग्रेस में आपने देखा, चाहे मध्य प्रदेश में ही, देश भर की कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस ही अपने जो योग्य सुयोग्य लोग हैं, राजनेता हैं, उनका सम्मान नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रताड़ित करती, मानसिक ताड़ना देती है। वही कारण है कि अभी तो कोई ऐसे बात भी नहीं थी, अभी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी आवश्यकता भी, नंबर गेम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का असम्मान जो हो रहा है वो भी मुझे कारण लगता है कि वो उन्होंने तय करा कि कांग्रेस को छोड़कर उसी विचारधारा को पकड़े, और अब चूंकि अब उनके लोग टूट रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, उनको ये खबर भी नहीं हो पा रही है कि उनके लोग कब निकल पा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, और आखिर वो विधायक से इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा मानसिक धारणा उनको दी जा रही होगी और कहीं ना कहीं उनका कहीं असम्मान नहीं रखा जा रहा होगा, इसलिए लोग वहां से निकल रहे हैं। लेकिन अगर ये तर्क सही लगता है तो दूसरी तरफ ये जो तथ्य दिए जा रहे हैं कि इधर से आप पार्टी छोड़िए उधर आइए, या तो आपको पद मिल जाएगा या टिकट मिल जाएगा, तो कहीं प्रलोभन दबाव का जो आरोप वो लगा रहे हैं वो भी सही नहीं दिखता? नहीं, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी कोई ऐसी स्थिति है नहीं ना, मैंने जयपुर में कहा कि नंबर गेम्स तो है नहीं कि हमको अब आवश्यकता है, हमारे पास तो पर्याप्त विधायक लोग हैं, अब हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि राजनीति में लोग कुछ जो है सम्मान के लिए गलत राजनीति करते हैं, लेकिन असम्मान की यदि स्थिति वहां पर होगी तो निश्चित रूप से जो उनको कष्ट हुआ है, अभी 1.5 साल जो 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, और कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि हम भूमि पूजन करके आए और उसके बाद हमारे टेंडर को निरस्त कर दिया गया, ऐसी स्थिति जब बन रही होगी, जब मंत्रियों की स्थिति होगी तो विधायकों की स्थिति क्या होगी,
बार बार ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस में तथ्य ये आलोक जी कि एक तरफ आप जो तमाम नेता हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, कई बार आपको मौका मिला तब पदों पर भी रहे, अब बिना पद के भी आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से आने वाला टिकट या पद उसे फौरन मिल रहा है, इसकी गारंटी के साथ में उनको पार्टी में एंट्री कराई जा रही, इस पर विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। विपक्ष अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, और इसलिए उन्होंने ये बात कही है, लेकिन कांग्रेस के रथ में जो घोड़े हैं वो सारे के सारे अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, और इसलिए रथ ना प्रगति का रथ है, ना वो कांग्रेस का अपना अनुशासन का रथ है, तो ना ही वो अब संगठन जैसे पहले कभी रहा होगा वैसा रथ है। तो अभी सारे के सारे जितने लोग हर आदमी अपने हाथ में लगाम लेना चाहता है, जो मुख्यमंत्री है वो तो कहता है मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन जो मुख्यमंत्री नहीं है पर्दे के पीछे कहता है मैं पूर्व मुख्यमंत्री इसलिए मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मंत्री मैं हूँ, इस स्थिति में कैसे सरकार चलती, कैसे वहां पर जो लोग रह सकते हैं जिनका जो थोड़ा भी स्वाभिमान है वो स्वाभिमान की खाते छोड़कर आ रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो सुमित्रा देवी जो कांग्रेस पार्टी की विधायक थी, उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, और अब कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि उन पर दबाव था, प्रलोभन था, और इसी वजह से सदस्य छोड़ रहे हैं। बीजेपी कहती है अभी कई लोग कतार में हैं, कई लोग आ सकते हैं, प्रलोभन की वजह से जा रहे हैं या उपेक्षा की वजह से जा रहे हैं ये जनता को डिसाइड करना है, लेकिन इतना तय है बीजेपी में आते पद या टिकट भी मिल रहा है, और इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर है।